हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जोडिस लाइफ साइंस लिमिटेड पे। फ्रेंड्स, स्टॉक की अपडेट आई है, अपडेट क्या आई है और अब कैसा मूवमेंट आपको स्टॉक में देखने को मिलेगा और भी काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो ताकि जब भी मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वैसे तो मैंने काफ़ी टाइम पहले भी इस स्टॉक पर वीडियोज़ आपके लिए बनाई है, बट अब फिर से आपके लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। अभी पहले अपडेट समझेंगे, फिर हम चार्ट पे बात करेंगे। अपडेट पे आ गए हैं हम। यहाँ पे बताया जा रहा है कंपनी को केंद्रीय वस्तु एवं सेवाओं कर, मतलब जो इस पे टैक्स लगा है उसके बारे में है। गोवा से 16.76 करोड़ रुपए का यहाँ पे जीएसटी डिमांड नोटिस जारी किया गया है। मतलब इन पे ये नोटिस मिला है, कहाँ से मिला है, गोवा ये जो केंद्रीय सरकार है वहाँ से। यहाँ पे है यह मांग वित्त वर्ष 2017 से 18 19 20 तक की सेवाओं की वास्तविक प्राप्ति के प्रमाण के बिना कथनीय रूप से आयोग आईटीसी का लाभ उठाने के संबंध में उठाई गई है। मतलब जो इन्होंने ये जो नोटिस आया है ये ना, उन्होंने कुछ बताया नहीं है लिख के, ओनली जो कहा है उसी के बेस पे इन्होंने ये आईटीसी का लाभ उठाया है, क्योंकि प्रमाण कुछ भी नहीं दिया है जिसके संबंध में इनको नोटिस मिला है। इसके खिलाफ जो ये नोटिस मिला है उसके खिलाफ कंपनी ने कहा है कि वह इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी। मतलब अभी उन्होंने कहा है, क्योंकि पहले नोटिस मिला तो भाई आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अब ये आदेश आया कंपनी भाई इस नोटिस के खिलाफ अपील दायर करेगी, जिसमें कि आज आपको पॉजिटिव माहौल स्टॉक में देखने को मिला। देखते हैं कि ये पॉजिटिव माहौल कहाँ तक आपको देखने को मिलने वाला है। तो फिलहाल हम फिर से आ गए हैं चार्ट पे। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भाई स्टॉक अप ट्रेंड में है और यहाँ से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाएगी अगर भाई हमारे जो स्पोर्ट जोन है इसका ब्रेकडाउन करता है। तो ये ब्रेकडाउन के बाद यहाँ आज हमारा जो स्पोर्ट था वहीं से स्पोर्ट लेता हुआ स्टॉक नज़र आया है। अगर भाई इसका ब्रेकडाउन कर देता है तो ये 1046 तक ये स्टॉक आता हुआ नजर आएगा, यहाँ से ये सपोर्ट लेके रिकवरी दिखा सकता है। लेकिन मुझे अभी भी इसमें डाउन का ही प्रेशर नज़र आ रहा है। मेरे अकॉर्डिंग ये 1046 तक आ सकता है, ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट आएगा, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ ही आएगा। यहाँ तक आने की मुझे उम्मीद यहाँ पे नज़र आ रही है, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रही हूँ कुछ भी बाइंग सेलिंग या फिर होल्ड की। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ एजुकेशन पर्पज से। अगर इसका ब्रेकडाउन कर दिया ना तो फिर जितना ये ऊपर की डेप्थ है ना उतना ही डाउन साइड यहाँ पे जाता हुआ नज़र आएगा। पहला जो स्पोर्ट रहेगा इसके ब्रेकडाउन के बाद 928 का रहेगा। अगर ऊपर के लेवल की बात करें तो यहाँ पे 1173 का रिस्टेंस है, फिर एक जोन है रिस्टेंस जोन जो कि मैंने आपको पहले भी बताई है। देखो ऊपर का तो मूवमेंट कम नज़र आ रहा है, डाउन का ही आ रहा है। बाकी आपका क्या कहना है स्टॉक के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस वीडियो का मोटिव ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज है, मैं किसी को पर्सनल रिकमेंड नहीं करती कि आप स्टॉक में बाय करो सेल करो या होल्ड करो।